हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन रोड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बायोमास एनर्जी क्या होती है। तो बायोमास एनर्जी को समझने से पहले अगर हम देखेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अब प्लांट और एनिमल्स का जो स्ट्रॉ होता है हमारे पास, जो कचरा वगैरह हो गया, उनको भी यूज करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बायोमास एनर्जी बेसिकली हमारे पास यही चीज़ होती है। जो हम लिविंग थिंग्स का वेस्ट हो गया एंड ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें सारी यूज़ करके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आती है बायोमास एनर्जी की कैटेगरी में। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास, कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस मिशन एंड इनहेंस एनर्जी सिक्योरिटी। अब ये तीन आप फिगर देख सकते हैं, ये तीनों हमारे पास बायो एनर्जी बायोमास एनर्जी के अंदर काउंट होती है। हमारे पास वुड से हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं जो कि बायोमास एनर्जी होती है। कचरा हमारे पास हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है उनसे अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बायोमास के कैटेगरी में आती है। अब इनका फायदा ये है कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास, और जिसकी वजह से हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट या CO2 इमिशन बिल्कुल ही कम होती है एंड इसकी वजह से हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी इन्हेंस होती है। उसके बाद प्रोसेस की बात करें कि एनर्जी प्रोसेस एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है वन फॉर्म को अनदर फॉर्म, क्योंकि हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास पहला है बायोमास कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग। बायोमास जो भी है उन सारे को कलेक्ट किया जाता है एंड देन प्रोसेसिंग की जाती है। जैसे कि बायोमास वुड हो गया हमारे पास, एनिमल मैनुअर हो गया, ये सारा कलेक्ट किया जाता है। देन इसे ड्राई किया जाता है, ग्राइंड भी किया जाता है ऐसे, एंड देन हमारे पास डायरेक्ट बर्निंग ऑफ बायोमास से भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। क्योंकि सेकेंड हमारे पास टॉपिक है कन्वर्जन टेक्नोलॉजी का, कि हम एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो फ्यूल होता है एग्रीकल्चर रेजिड्यूज है, उससे हम बॉयलर को देते हैं, यानी इससे हमने बॉयलर को हीट दी। बॉयलर की रिजल्ट में हमारे पास टरबाइन मूव किया, टरबाइन मूव करेगी तो जनरेटर मूव करेगा एंड देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन में वो आ जाएगी। अब सेकेंड हमारे पास दो और प्रोसेस है, गैसिफिकेशन प्रोसेस और दूसरा पायरोलाइसिस। तो ये आपके बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतना डिस्कस नहीं किया गया। अगर आप आपको इसकी डिस्कशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो अलग से बना दूँगा। तो ये थी हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन में बायोमास एनर्जी। होप सो आपको समझ आएगा, लेक्चर काफ़ी छोटा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विंड एनर्जी क्या होती है।